हेलो व्हाट्सअप गाइज, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेएल लाइफ स्टाइल का न्यू अपडेट। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो आपका लंबा जाए, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखते तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि जेएल लाइफ स्टाइल का नया अपडेट क्या है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोस्तों कि डेबिट कार्ड और स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग पर रोमांचक अपडेट। प्रिय मूल्यवान जीवन शैली सदस्यों, यह प्रबंधन के लिए एक और चुनौती लेकिन पुरस्कृत अवधि रही है। या तो डेबिट कार्ड और एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बारे में नियंत्रण रोमांचक अपडेट है। मतलब दोस्तों जिसके बारे में बताने जा रही है वो डेबिट कार्ड पे जिससे पैसा हमें मिलेगा, और स्टॉक एक्सचेंज जहां पे जैक वैन लिस्टिंग होने वाला है उसके बारे में ये अपडेट दिया। तो डेबिट कार्ड के बारे में दोस्तों जो बताया गया उसको ध्यान हर एक बड़े डेबिट कार्ड प्रदाता से साथ एक सौदा किया। मतलब कि एक बड़े डेबिट कार्ड प्रदाता से सौदा हुआ, लेकिन जब उन्होंने हमारी ऑर्डर सूची देखी, मतलब जो जेएल लाइफ स्टाइल का अवधि है उसने इसका रिकॉर्ड देखा, तो उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। क्या क्या प्रश्न पूछना शुरू कर दिया और अधिक आवश्यकता लगाई जिन्हें उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया में नहीं लाया। मतलब सोच के देखिए दोस्तों कि उसने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन इनमें एक और डेबिट कार्ड का प्रदाता मिला जो अब तैयार है। मतलब दोस्तों जो पहला था उसको छोड़ के एक और मिला जो जेएल लाइफ स्टाइल के लिए डेबिट कार्ड के लिए रेडी हो गया। इसलिए हम आने वाले सप्ताह की शुरुआत में आदि सूची भेज देंगे। मतलब दोस्तों जो अगला डेबिट कार्ड को जो आपको सूची मिलेगा वो अगले वीक में मिलेगा दोस्तों, जो आपको देखने को मिलेगा। और हम डिलीवरी के समय एक साथ वापस आएंगे और जब ऑर्डर भेज दिया जाएगा दोस्तों, मतलब जब ऑर्डर भेज दिया जाएगा जब अगले वीक में जब वापस आएंगे, और हम आपके द्वारा अर्जित कमीशन का भुगतान शुरू करने के लिए तत्पर है। दोस्तों मतलब इसका कहना है कि जो इसका आने वाला जो टाइम है उसका अर्जित कमीशन वो भुगतान इसका करना, मतलब कि जो ये डेबिट कार्ड का जो मिला है प्रदाता उसको क्या करेगा, भुगतान देने के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब जेएल लाइफ स्टाइल उसको देने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर लिखा है जेएल लाइफ स्टाइल स्टॉक एक्सचेंज में जा रही है, मतलब कि जेएल लाइफ स्टाइल जो क्वाइन है वो स्टॉक एक्सचेंज पर जा रही है काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी का सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में हम काफ़ी आगे आ गए। अगला कदम अब हमारे सदस्यों को शेयर आवंटित करना है। मतलब हमारे जो लीडर लोग हैं उसको अब क्या करना है, शेयर आवंटित करना है। प्रारंभ में जब योजना को यूरोप में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाना था, अब सोचिएगा दोस्तों लिखा है कि प्रारंभ में जब योजना को यूरोप में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाना था, हम केवल उन सदस्यों को शेयर दे सकते थे जिन्होंने अपना पीवी किया है। मतलब दोस्तों कंपनी ये कह रही है कि जो पीवी किया है ये उन्हीं को शेयर दे सकते हैं, इसके सिवा किसी और को नहीं दे सकते हैं। ये किया है वर्तमान में हमें सूची किया गया है कि हम सभी को कुछ शेयर दे सकते हैं। मतलब अब वर्तमान में कहा जा रहा है कि हम आने वाले टाइम में हम सभी को शेयर दे सकते हैं, लेकिन हमें आपको सही फ़ोन नंबर चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। मतलब कंपनी का कहना है कि अगर आप सही नंबर देते हैं तो आपको तभी पीवी दिया जा सकता है, इसके लिए आपको सही नंबर देना पड़ेगा। इसलिए अपने शेयरों को प्राप्त करने के लिए अपने फ़ोन नंबर को अनुमोदित करना है या इसे स्थापित करना अनिवार्य होगा। यदि आपसे ऐसा नहीं करना चुनते हैं तो आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा जहां आप समझते हैं कि आप अपने शेयरों को खो देंगे। अच्छा दोस्तों ये कह रहा है कि अगर जब आप इसमें आएंगे इसको ओपन करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको विकल्प पर क्लिक करना होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो इससे क्या होगा कि आप शेयर को खो देंगे। कृपया ध्यान दें कि अपना पीवी किए बिना आपको केवल $100 मूल्य का शेयर प्राप्त होंगे। मतलब दोस्तों जो पीवी नहीं किया है उसको सिर्फ केवल $100 मूल्य का शेयर प्राप्त होगा, और यह USD में है क्योंकि कंपनी USA में सूचीबद्ध होगी। मतलब दोस्तों कंपनी USA की है इसलिए सूचीबद्ध हो गई। कृपया भी सूची करें कि हमारे आसपास जितने अधिक सदस्य हैं जिन्होंने अपना फ़ोन नंबर जोड़ा है कंपनी का मूल्य उतना ही अधिक होगा। मतलब दोस्तों ये कहना है
कि जो जो कंपनी में फ़ोन नंबर ऐड किया है इसका मूल्य उतना ही तेज़ी से अधिक होगा, उतने तेज से ही भागेगा। जब हम इससे सूचीबंद करेंगे और आपके शेयर का मूल्य उतना अधिक होगा, मतलब शेयर और अधिकतर बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको अपने सभी रेफरल और टीम को सदस्यों को यह सूचना सदस्यों को ऐसे करने के लिए सूचीबंद और सूचित और प्रेरित करना चाहिए। मतलब दोस्तों ये आपको ये कह रही है कि कंपनी कि अगर आप अपनी टीम को रेफरल करते तो इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। यह प्रक्रिया केवल कुछ दिनों के लिए उपलब्ध हो दोस्तों, यह प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए ही उपलब्ध होगी, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होगा। यह केवल एक सीमित अवधि के लिए है और संभव होगा कि यह इसका कारण यह है कि हम इस प्रक्रिया को कोई भी अनावश्यक समय नहीं गंवाना चाहते। बिल्कुल दोस्तों इसका सही कहना है। जब इसे हम यूएसए की कंपनी को पंजीकृत किया है, मतलब जब इसने किसने किया, ये कंपनी कौन किया, यूएसए की कंपनी ने पंजीकृत किया, तब से यह कदम उठाकर हम सभी को बहुत उत्साहित है और एक लंबी अवधि में की गई कड़ी मेहनत के परिमाण आखिरकार हम देख रहे हैं। मतलब कि जो कंपनी मेहनत कर रही है उसका एक परिमाण मिला है और मंगलवार को हम अपने क्रिप्टो प्रदाता की प्रगति को रिलीज का तारीख दोस्तों, मतलब कंपनी ये कह रही है कि मंगलवार के दिन ये क्रिप्टो प्रदाता को क्या करेगा, डेट रिलीज करेगा कि कब ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग लिखा हो दोस्तों, कि मंगलवार को हम अपने क्रिप्टो प्रदाता की प्रगति और रिलीज का तारीख के बारे में अधिक जानकारी का साथ वापस आएंगे। मतलब आपके मंगलवार के दिन में डेट का तारीख निकलेगा स्टॉक एक्सचेंज का कि कब लिस्टिंग होगा और इसके बारे में डेट कंफर्म हो जाएगा और बहुत उत्साहित प्रबंधन की ओर से शुभकामनाएं साथ। तो दोस्तों आपने देखा कि जयला पोस्टल जो कंपनी है कैसे इसके बारे में बता रही है और कैसे अभी जो स्टॉक एक्सचेंज पर जैक वाइन लिस्टिंग होने वाली इसके बारे में मंगलवार के दिन में आप लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों आज है 23 तारीख, 25 तारीख को आपको पता चलेगा और वो कितने बजे तक आएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।